आदित्य रुद्रस्वामी, मैं बेंगलुरु से आया हूँ। मैं संस्थापक अध्यक्ष हूँ टेररिस्ट रीएड्रेसल सेफ्टी नेशनलिस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठना है। हमने प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और भारत देश के राष्ट्रपति कोविंद जी को और सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को हमने निवेदन दिया है, मेमोरेंडम दिया है कि यूक्रेन में जो चल रहा है वो युद्ध तुरंत स्टॉप करनी है और यूक्रेन की जनता को न्याय दिलवाना है और हमारा देश शांतिप्रिय है, विश्व शांति चाहते हैं। आपके साथ कितने लोग हैं वहाँ पे जो सपोर्ट कर रहे हैं? यूक्रेन में हमारी संगठना है, उधर भी हमारे लोग स्ट्राइक भी किए हैं, रशिया में भी हमारा संगठना है, उधर भी करीब 45 जगह पर हमारे संगठना स्ट्राइक की है। वो हमारा इतना ही निवेदन है कि वो युद्ध जो रशिया यूक्रेन के राष्ट्र के ऊपर, वो स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश है, वो 25 साल से चल के आ रहा है, उस देश में, उस देश के ऊपर रशिया के अध्यक्ष पुतिन जी जो युद्ध किए कर रहे हैं वो गलत, शांति के लिए अच्छा नहीं है, गलत कर रहे हैं। इसका हम घोर निंदा करते हैं, विरोध करते हैं और इसके लिए हम स्ट्राइक भी करेंगे, आंदोलन करेंगे। क्या आप ये चाहते हैं कि यूक्रेन में जो फंसे हैं वो जल्द से जल्द भारत आए? हमने और निवेदन किया है कि यूक्रेन में जो फंसे हैं करीब 25,000 से भी ज़्यादा भारतीय, वो तुरंत जितना हो सके उतना जल्दी भारत आ जाए। उनका सेफ्टी हमको बहुत मायने रखता है, वो हमारे भाई बहन हैं। और मैं डॉक्टर त्रिपेंद्र स्वामी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के मुखिया नरेंद्र मोदी जी को ये निवेदन करता हूँ कि आप तुरंत उनको वापस सही सलामत लेके आइए, इस पर शीघ्र कार्रवाई किया जाए और इसके ऊपर जो भी है गलत कर रहे हैं, सहयोग चाहिए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सहयोग चाहिए इसके ऊपर। और मैं इतना निवेदन करता हूँ कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं, इसका युद्ध को अंत कर सकते हैं, तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। थैंक यू। रुद्रस्वामी, मैं बेंगलुरु से आया हूँ। मैं संस्थापक अध्यक्ष हूँ टेररिस्ट रीएड्रेसल सेफ्टी नेशनलिस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठना है। हमने प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और भारत देश के राष्ट्रपति कोविंद जी को और सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को हमने निवेदन दिया है, मेमोरेंडम दिया है कि यूक्रेन में जो चल रहा है वो युद्ध तुरंत स्टॉप करनी है और यूक्रेन की जनता को न्याय दिलवाना है और हमारा देश शांतिप्रिय है, विश्व शांति चाहते हैं। आपके साथ कितने लोग हैं वहाँ पे जो सपोर्ट कर रहे हैं? यूक्रेन में हमारी संगठना है, उधर भी हमारे लोग स्ट्राइक भी किए हैं, रशिया में भी हमारा संगठना है, उधर भी करीब 45 जगह पर हमारे संगठना स्ट्राइक की है। वो हमारा इतना ही निवेदन है कि वो युद्ध जो रशिया यूक्रेन के राष्ट्र के ऊपर, वो स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश है, वो 25 साल से चल के आ रहा है, उस देश में, उस देश के ऊपर रशिया के अध्यक्ष पुतिन जी जो युद्ध किए कर रहे हैं वो गलत, शांति के लिए अच्छा नहीं है, गलत कर रहे हैं। इसका हम घोर निंदा करते हैं, विरोध करते हैं और इसके लिए हम स्ट्राइक भी करेंगे, आंदोलन करेंगे। क्या आप ये चाहते हैं कि यूक्रेन में जो फंसे हैं वो जल्द से जल्द भारत आए? हमने और निवेदन किया है कि यूक्रेन में जो फंसे हैं करीब 25,000 से भी ज़्यादा भारतीय, वो तुरंत जितना हो सके उतना जल्दी भारत आ जाए। उनका सेफ्टी हमको बहुत मायने रखता है, वो हमारे भाई बहन हैं। और मैं डॉक्टर त्रिपेंद्र स्वामी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के मुखिया नरेंद्र मोदी जी को ये निवेदन करता हूँ कि आप तुरंत उनको वापस सही सलामत लेके आइए, इस पर शीघ्र कार्रवाई किया जाए और इसके ऊपर जो भी है गलत कर रहे हैं, सहयोग चाहिए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सहयोग चाहिए इसके ऊपर। और मैं इतना निवेदन करता हूँ कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं, इसका युद्ध को अंत कर सकते हैं, तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं।